सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ भी लड्डू बहुत अच्छा है। गाइस ये देखिए, आज मैंने धुल दी अपनी रजाई, क्योंकि समर आ चुके हैं, गर्मी के दिन आ चुके हैं, इसलिए अब हम लोग रखने वाले हैं रजाई को, पैक करके रखने वाले हैं। इसलिए आज मैंने अपनी रजाई धुल दी और इसको पैक करने वाली हूँ। कल हमने रात से ही पंखा चलाना स्टार्ट कर दिया था, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। यहाँ लड्डू की बुआ ने आज लगाई है मेहंदी खोपड़े पे अपना ठंडा सर करने के लिए, और साथ में साफ कर रही है चावल। और दादी भी नहा धो के बैठी हुई हैं और अपना पीलो कवर डाल रही हैं। और यहाँ मेरा जोजो बैठा है, नाराज हो रहा है। गाइस अब जोजो को दूंगी दही चावल। सुबह डॉक्टर ने कहा था और दोपहर के टाइम कहा था मूंग दाल की खिचड़ी थोड़ी सी बना दे, मूंग दाल की खिचड़ी दोपहर में खाएगा, इसके लिए बनाऊंगी। और अभी तो देखो सो रहा है, आंखें बंद कर रहा है। इसको सुबह से मैं वॉश कर देती हूँ डिटॉल से, ये भी एकदम क्लीन फ्रेश हो चुका है। गाइस ये देखिए, आज लड्डू की दादी अपनी सफाई अभियान पर निकल गई हैं, मानी नहीं रही हैं, और ये गेट साफ कर रही हैं। सबका सोने का टाइम दोपहर में होता है और ये पता नहीं क्या इनके दिमाग में चढ़ा कि ये सफाई लेके बैठ गई, सफाई अभियान कर रही हैं। गाइस आज जोजो को हम पानी पिलाने वाले हैं और इलेक्ट्रिक घोल बताया है, अभी उसका इलेक्ट्रिक घोल नहीं आया है, इलेक्ट्रिक घोल, इस वजह से जोजो हमारा पानी पीने की वजह से रह गया है। और देखिए इधर ये सफाई अभियान चल रहा है, इनका कोई पता ही नहीं, इनसे कह रहे सफाई अभियान मत करो, ख़त्म करो, बस करो, अपना रेस्ट करो, ये भी नहीं मान रही हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता मुझे घर की लीला। ऐसे यहाँ देखिए हमने खिचड़ी बनाई है जोजो के लिए, डॉक्टर ने कहा था मूंग दाल की खिचड़ी। जोजो ये रहा सो, जोजो देखो कितनी खुर्दी से खा रहे हैं, बिल्कुल फास्ट। ये देखिए जोजो के लिए बनाई है हमने खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था जोजो को मूंग दाल की खिचड़ी खिलाना जिससे वो अच्छे से डाइजेशन कर ले। तो अभी हमने इसके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है दोपहर के खाने में, और ये खा रहा मूंग दाल की खिचड़ी। इसको मॉर्निंग में भी दे चुके थे, ये थ्री टाइम्स खाता है, 3-4 टाइम्स धीरे धीरे इसको दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ ज़्यादा हैवी खाना नहीं दे रहे हैं जिससे ये डाइजेशन नहीं कर पाएगा फिर। और अभी हमने इसके लिए दे रहे जोजो यहाँ आओ बेटा, इसके लिए बनाई मूंग दाल की खिचड़ी। देखिए कैसे डोंगा ले जा रहा है अपना, अभी सो के उठा है, मेरे साथ ही सो रहा था ये यहाँ पे रूम पे अंदर। और अब देखिए खिचड़ी खा चुका है मेरा जोजो, पानी नहीं पी रहा, पता नहीं क्यों ये पानी से इतना डर रहा है कि ये 2 डेज हो गए ये पानी नहीं पी रहा बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों इतना डर रहा है, पानी पी ही नहीं रहा है। ये देखिए खाना देखिए कैसा खा रहा है। इसके लिए मूंग दाल की मैंने खिचड़ी बना दी थी और दही के साथ दे रहे हैं। यहाँ आओ भाई जोजो, कैसे खा रहे हो आप अंदर के जैसे, घुमा घुमा के खा रहे हो, घुमा घुमा के भाई, घुमा घुमा के खा रहे हो। ये देखिए गाइस लड्डू की दादी कर रही हैं, छोटी लड्डू की दादी कैसा लग रहा है, लड्डू की दादी देखिए छोटी कर रही थी, अब अभी सो के उठी हैं, जो नीचे बैठा है दादी के पास। लड्डू की दादी कैसा लग रहा है, जोजो सही हो गया ना, हमारा जोजो सही हो गया, बहुत आज मूंग दाल की खिचड़ी खाया है और 15 दिन बाद आज पानी पिया है, तो हमें बहुत खुशी की बात है, आज हमारा जोजो पानी पिया 2-3 दिन बाद। अच्छा कितने दिन बाद पानी पिया है जोजो, 15 दिन बाद पिया है। देखिए लड्डू की दादी जोजो को प्यार कर रही हैं, लाज जोजो ने पानी भी पिया है, शायद 12-13 दिन के बाद पानी पिया है आज इसने। मेरा जोजो बहुत कष्टों के साथ वो हुआ, इसका नया जन्म हुआ है, बहुत मन्नत मांगी हमने अपने जोजो के लिए और बहुत केयर करी है, मेरे जोजो का ये नया जन्म है समझ लो, बहुत इसको कष्ट था ना जोजो,
आज भाई आज मैं जा रही हूँ पार्लर अनु के साथ, और वो सुबह शायद कटिंग भी कराएगी। और मैं गाइस जा रही हूँ अब पार्लर, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, शायद मैं पार्लर का भी शूट करूँ। और लड्डू की बुआ लेटी है भाई, आराम से फरमा रही है, और हम जा रहे हैं भाई आज पार्लर। लग रहा है ना गुलाब का कटिंग, तो तक कांटे भी ना गाइस सब हम लोग टूट नहीं जाती है। सहरा है, अब हम जा रहे हैं पार्लर मैं और अनु, और अब हम लोग पहुंच गए हैं चौराहे। इस समय हम लोग चौराहे पर वेट कर रहे हैं टुक टुक का, देखते हैं टुक टुक कितनी देर में आता है, ऑटो या टुक टुक से ही जाएंगे। हमारे फेमस पकौड़ी चौराया है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पकौड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पे भी पकौड़ी देखिए, लाल सिया राम पकौड़ी वाला, सुनील पकौड़ी वाला, एक यहाँ पे पकौड़ी वाला, सब पकौड़ी वाले हैं चारों तरफ। बेनस्टा को खुलता है झंकट, ये तो मार्केट खुलती है ना, वो नहीं खुलती है उधर, खुला ही रहता है। गाइस हम लोग जा रहे हैं खूबसूरत ब्यूटी पार्लर। आज लड्डू की दीदी जा रही है कि हेयर स्पा वगैरह कराना, पहले कटिंग चलते हेयर की वीडियो बना। तो सारे खराब बाल निकल गए ना डैमेज को, अब अच्छे से रिबॉन्डिंग वगैरह भी करा सकते हैं। दिखाओ कैसा लग रहा है आपको हेयर कटिंग करके, दिखा लुक बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है। गाइस अब हमने कर ली है कटिंग, और हमारी थ्रेडिंग भी बन चुकी है, पी रहे हैं गन्ने का जूस, अच्छा लग रहा है, बाल बहुत अच्छे लग रहा है। हम लोग अब रास्ते में हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं घर की तरफ। आज हमने सोचा कि चलो वॉक करते हुए घर जाते हैं, तो हम लोग
रास्ते में पैदल पैदल जा रहा है वॉक करते हुए घर के लिए। हम आ चुके हैं घर, अनु के हेयर कटिंग हो चुकी है और मेरा जो जो ये है और लट्टू की दादी भी। ये जो जो आओ, कि ढूंढ रहा था मेरे को तो? जो जा बापू, बापू हम आ गए। नहीं जो जो हम लोग आ गए घर। जो 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 यहाँ बैठे हैं हमारे हमारे जो जो यहाँ बैठे हैं। जो 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 आप क्या खाओगे शाम को? डॉक्टर नहीं आए? डॉक्टर की छुट्टी कर दी आपने? देखिए गाइस, लड्डू की दादी देख रही हैं भाई करौंदे का पेड़, उसमें घोंसले बना रखे हैं चिड़ियों ने, वो देख रही हैं लड्डू की दादी। और इस बार भाई बहुत फूल तो आया है, अब देखते रुकता है कि नहीं रुकता है। नहीं नहीं शाम का टाइम हो गया, मत उतारो किसी भी घो, किसी का घर मत तोड़ो, कहाँ जाएंगे हमारे पक्षी, जैसे हैं वैसे ही रहने दो पेड़ पे। जो जो कहाँ गया हमारा जो जो? जो जो क्या कर रहे हो बताओ? अरे बैठो बैठो, भैया अब अच्छा लग रहा है हमें, जो जो सही हो गया तो इतना तकलीफ के साथ हमारा जो जो सही हुआ है। हम तो वही पल सोच रहे, आप सोचना भी पाप है उन पलों को, लेकिन भैया बहुत कष्टों से हमारा जो जो वो हुआ है। मिट्टी ना खाए, मिट्टी ना खाए, पॉट हटा दो, गमला हटाओ, गमला मिट्टी में खा, मिट्टी खा लेगा मिट्टी सब। आपकी गुहियों का क्या हाल चाल हुआ? सब ठीक हो रहा है। ये देखिए गाइस, इधर लड्डू की दादी ने लगाए थे गुहे अरबी के पत्ते, और ये देखिए निकलने लगे हैं अरबी के पत्ते। अब मैं इन गमलों में दूंगी पानी, शाम हो चुकी है। हाँ यार फोटो तो बड़ा शानदार आया है। किसका? अन्नू का? नहीं आपका। अच्छा मेरा। अन्नू कैसा लग रहा है आपके हेयर? अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी कटिंग कर रही है ना आज। गाइस लड्डू की दीदी ने करवाई हेयर कटिंग, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। पीछे से फुल चल रहे हैं और आगे से फ्लिक्स कटिंग कराई है, और वो अभी अपनी फोटो ले रही है, सेल्फी ले रही है दादी और वो लड्डू की दीदी। दादी और नातिन भैया ले रहे हैं पोतिन सेल्फी। दादी भैया तारीफ कर रही हैं, दादी अन्नू की तारीफ कर रही हैं, बहुत बढ़िया कटिंग है। लड्डू की दादी कैसी लग रही है कटिंग? अच्छा बहुत तारीफ कर रही हैं भाई। कैसा लग रहा है फिर? आज तो बिल्कुल है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया भैया, लुक बिल्कुल लड्डू की दीदी का देख सकते हैं हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चीज? आलू में कढ़ी पत्ता डालेंगे, आलू डाल आलू की सब्जी में कढ़ी में डालेंगे, खाने में बहुत टेस्टी है। ये हमारा सदाबहार है, देखो ये हमारी अरबी है। अभी सब पानी डालना है शाम को सारे इसमें, आज बहुत तेज धूप हो रही, गर्मी बहुत तेज हो रही है। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गई। लड्डू की तरफ बुआ कैसन बा? ठीक बा, लड्डू की बुआ की तबीयत आज ठीक नहीं है,
क्या हो गया? कुछ नहीं, लड्डू की बुआ के हाथ में दर्द हो रहा। अच्छा, दो बार खाया था आपने? सही सही बताना दीदी। अच्छा लड्डू की दादी, आप ही बताओ कितनी बार खाया है लड्डू की बुआ ने? सुबह खाया, फिर एक बार दोपहर खाया, फिर थोड़ी देर में 2-3 बजे खाया। अच्छा, और शाम को भी खाएगी? अब शाम को भी खाएगी, 4 बार खाना हो गया। 4 बार खाना है? देखो लड्डू की बुआ कितनी गलत बात है। जरूर गलत बात है, 4 बार किसने खाया? जा खाना तो 2 बार, एक बार नाश्ता होता, लंच होता, उसके बाद क्या होता? चुटकू बुटकू तो सभी को ही खा सकता है। तो आप तो कह रही थी हमारी तबीयत सही नहीं है, और वो देखो उन्होंने हाथ में दर्द है, मुँह में थोड़ी दर्द है। लड्डू की दादी ने सब आपकी पोल खोल दी कि 4 बार खाया। 4 बार कैसे खाया? भाभी ने कतरे दिए थे। मैंने बुआ कतरे हमने सब खा लिए, फिर सारे फिनिश कर दिए। हमने नींबू निचोड़ के सब खा डाले। सब खा दिए इसने इतने सारे कतरे? मुझे तो पता भी नहीं चले कब खाए दीदी, और मुझे मैंने सोचा मैं खाऊंगी, आपने सारे खा दिए। अब नहीं खाओ तो क्या कर रहे? ये बहुत अच्छा है काम किया आपने, ऐसे गद्दारी नहीं करते हैं। आपने सारे खा लिए। और मेरे चोचो को कुछ दिया कि नहीं दिया आपने? मैंने खाया, दही खिचड़ी खाया, दही चावल खाएगा, पानी पी नहीं रहा, इसकी जीभ निकल रही है। इसकी जीभ ऐसे क्यों निकल रही है? तो आपकी भी तो जीभ निकल रही है। मेरी नहीं, यहाँ पर आओ, इसको अंदर ले चलो। आज बहुत दिनों बाद पानी पिया, जो 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 कितनी मन्नतों के बाद हमारा जो जो प्याल कलो जो जो को प्याल कलो। छोटा सा बाबू है हमारा, हमारा जो जो है, जो जो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर खिलाएंगे जो जो को, जो जो के मनपसंद खाना खिलाएंगे। अभी तो जो जो खिचड़ी खा रहा है। खुला छोड़ दे, फिर ये मिट्टी खाएगा। थोड़ी देर छोड़ दो यार, अंदर छोड़ेंगे बेटा। अंदर छोड़ते हैं जो जो को बाहर। तुम लोग भी तो बैठो, बाहर की भी तो हवा लो। तो डाइटिंग वगैरह करोगी कि नहीं? अभी नहीं, हमारे तो वैसे बिकना। आप तो दीदी जिम जाने वाली हो? झाड़ू पोछा करते करते थक गए हैं। लड्डू की दादी, आपने भैया फिर लाइट खोल दी है टॉयलेट की, फिर कहोगी कि ऐसे न ऐसे। खत्म हो गया भाई, एक हैंड वॉश लग गया पूरा लड्डू के सब जो जो के सही होने में। जो जो मेरा प्यारा जो 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 जो, गर्मी लग रही है बेटा आपको, पानी पी लो, पानी पी लो। अब आपको खुला छोड़ेंगे, इन्फेक्शन फैलेगा, आप खाओगे मिट्टी धूल धक्कड़, इसलिए हमने बंद कर रखा है। बाहर आपको अंदर ले जाएंगे तब खोलेंगे, जीभ आपकी निकल रही है। चलो 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 चलो, ऐसे ऐसे मत करो, चलो। लड्डू की दादी हाथ में क्या लेके बैठी हो? किसका शैम्पू है भाई? कहाँ है नन्नी सी गुड़िया? ये देखिए नन्नी सी गुड़िया का है भैया ये शैम्पू, कैरेटीन वाला। वो बरांडे में बैठी है भैया, सेल्फी चल रही है इस समय। नन्नी सी गुड़िया का शैम्पू सेल्फी चल रही है। आज हेयर कटिंग करी है भाई, नया हेयर स्टाइल है, नया हेयर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखिए सेल्फी ली जा रही है खूब कटिंग वाली, और हमारा जो जो भी कह रहा है हमारी भी सेल्फी ले लो भाई। लड्डू कब आने वाले हैं लड्डू की दादी? मई में आएगा। अच्छा अच्छा भाई, लड्डू तो अब डराता है शेर बन के, कहता खा जाऊं। कल का इस वीडियो कॉल करी थी लड्डू ने, सबको डरा रहा था, कह रहा था दादी को डराता हूँ, बुआ को डराता हूँ, टाइगर आ गया है, टाइगर आ गया है, शेर की आवाज निकाल रहा था। अब हम पौधों में डालेंगे भैया पानी। लड्डू की दादी भैया पेड़ों में दे रही है पानी, क्योंकि बहुत ज्यादा भैया सुबह शाम पानी की जरूरत पड़ रही है पौधों में। लड्डू की दादी को भैया भैया आप लड्डू की दादी गमलों में दे रही, पौधों में दे रही पानी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, सारे पेड़ सूख चुके हैं। और यहाँ पे सब देखिए लड्डू की दादी पानी दे रही है पौधों में।
दादी आ गई हैं शाम की पूजा करके। अगर आपको लड्डू की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबाकर नोटिफिकेशन पाए नई वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक करें, कमेंट करें।